Hello everyone, welcome back to Trek Buddies. So how you all are doing? So hopefully मस्त होंगे, बढ़िया होंगे. तो हम लोग एक और ट्रैकिंग पे आ गए. छोटी सी छोटी छोटी ट्रैकिंग है. ये जगह का नाम है क्लाउड एंड, और ये देहरादून में हो आप तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो बाय स्कूटी, एंड अगर मसूरी में हो तब भी आ सकते हो. दोनों ही एरिया के लिए ये सही है. बीच में है, देहरादून से करीब 37 किलोमीटर है, मसूरी से थोड़ा सा कम है. मैं दोनों ही जगह से यहाँ पे आया हूँ. अभी फ़िलहाल हम लोग देहरादून से आए हैं, और क्लाउड एंड तो है, बढ़िया है. मौसम अगर अच्छा है तो ये बहुत अच्छी जगह है. बट हम लोग एक छोटी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि है ज्वाला देवी मंदिर. राइट, ये आपका, इसमें आपका सारा चीज़ें लिखा है. ये हमारे बिनोंग पहाड़ी पे है, बिनोंग टिब्बा इसका नाम है. हम लोग यहाँ पे जाएंगे ट्रैकिंग के लिए. 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है. अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, देख सकते हो. और अच्छी है, छोटी मोटी है और अच्छा इंजॉयबल है. अगर आपको ट्रैक का शौक़ है, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये एक अच्छा हो सकता है. मैं भी आपको उसको सीधे से थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ. तो हम लोग जा रहे हैं ज्वाला मंदिर. तो ज्वाला देवी मंदिर है, ये बिनोंग पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और इसको बिनोंग टिब्बा के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिखा देगा. और बाकी तो हम लोग रास्ते में भी आपको देते जाएंगे. और यहाँ पे हम लोग और कहाँ कहाँ जा सकते हैं. फ़िलहाल ये हम लोग जो हैं 7000 फिट की ऊंचाई पे है, सी लेवल से 7000. और इसका पूरा राइट ये भी आप देख सकते हो, 2009 मीटर्स नियरेस्ट प्लेस टू विजिट यहाँ पे भी दिया है. यहाँ से हाँ हमारा जॉर्ज एवरेस्ट भी है पास में. कंपनी गार्डन यहाँ से 10 किलोमीटर है, वही आपका मसूरी के पास. और गन हिल है 1300, ये भी आपका मसूरी में ही है. सुरकंडा देवी तो ये आपका वहाँ पड़ता है, क्या नाम उसका होता है, धनौल्टी. यस, धनौल्टी में है ये. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से. फिलहाल आप यहाँ जब भी आओगे तो ध्यान देना, ये रास्ता कुछ ऐसे चलता चला आता है, सीधे चला जाता है. यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. और रास्ता एक्चुअली में यहाँ से सीधा आएगा, ये सीधा जाएगा, बट आपको यहीं पे रुकना है. ये रास्ता चला जाता है अंदर, यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है. आइए शुरू करते हैं अपना सुंदर सा ट्रैक, छोटा सा ट्रैक. जो लोग ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हैं, पहली बार कभी कर रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं. यहाँ पे और कुछ नहीं, मतलब थोड़ा छोटा मोटा ऐसे ट्रैकिंग पोल की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ खाने पीने का छोटा सा आप ले सकते हो. यहाँ पे थोड़ा चार्जेस भी पड़ते हैं, क्योंकि ये 100 रुपीज़ हैं. अभी आके आपको बताते हैं. तो हमको इस वाली पहाड़ी पे जाना है, ये जो सामने आपको दिख रही है, और वो दूर पे मंदिर है, वो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, वो वहाँ पे ये वाला पॉइंट पे आप देख सकते हो, ये मंदिर है, दिख रहा है पास पर है. ये काफ़ी अल्टीट्यूड पे, अभी हम लोग फ़िलहाल 7000 फिट पे हैं. ये और ऊपर होगा, करीब करीब 8000 फिट पे हो सकता है. Enjoying? ये है ना फॉरेस्ट का वो. हाँ, ये है फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट है. यहाँ पे कोई आपको मिलेगा ज़रूर, वो देखो बैठे हुए. यहाँ पे हमको पर्ची काटवानी पड़ती है, फीस परमिशन लेना होगा इसको ट्रैक करने का. ऊपर तक जाना, खाने पीने का मेरे पास पॉलिथीन भी है, सब उसमें पिछली बार तो ले गए थे आपने कहा था, पर हम सारा पॉलिथीन, इसीलिए हमारे पास एक ब्लैक पॉलिथीन भी है हमारे पास स्पेयर. कूड़े भाई, ये थोड़ा सा खाने पीने का है, पानी की बोतल है बस, और कूड़ा हम इसमें रख लेंगे. कूड़ा के लिए हम ये सब लाएंगे, एक तो झोला है, झोले में भी, और इसमें सर पिछली बार हम लोग ले गए थे. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो इसीलिए आपको ये सब एक फॉर्म दिया जाएगा ऊपर जाने के लिए. और हम लोग को खाने भी फीस होगा,
हाँ थोड़ा यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्ट हो गया, खाने पीने का आप कुछ नहीं ले जा सकते। दो लोग हैं ना, 400 जी। तो यहाँ से ट्रैकिंग आपकी शुरू हो गई है, बाहर से वहाँ तक 1 किलोमीटर था, जहाँ से हम लोगों ने स्कूटी खड़ी करी थी, जहाँ पे वो मंदिर का इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ से ये फॉरेस्ट वाला, जहाँ से आपको परमिशन लेनी है, 200 रुपये फीस है पर पर्सन, वहाँ तक 1 किलोमीटर है, बाकी यहाँ से इनके हिसाब से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो कुछ ऐसा ट्रेल है, बीच बीच में चढ़ाई भी है, मतलब चढ़ाई तो थोड़ी थोड़ी है ही है, पतला पतला भी है। ये सामने का व्यू है, ये क्योंकि विंटर का है इसलिए इतना ग्रीनरी नहीं है, पर हम यहाँ पे एक बार और भी आ चुके हैं और तब बहुत ग्रीन है, मतलब है सुंदर। किसी को स्टार्ट करना है अगर ट्रैकिंग, कि भाई हाँ ट्रैकिंग शुरू करना है, तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी ट्रैकिंग शुरुआत करके ही करना चाहिए। ये ट्रैकिंग एक अच्छा है, बढ़िया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। बस हाँ, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, यहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ, ऐसे ट्रैक्स पे जाया जाए जहाँ पे एक्सप्लोर्ड ना हो और ज़्यादा भीड़ ना हो। तो आप यहाँ ज़रूर आओ, अपने दोस्तों के साथ आओ, 2.5 किलोमीटर का है रास्ता, और मज़े करो, यहाँ पे बढ़िया है। ओके, और क्या, ये वही है ना, और क्या, रोटी दाल वाले ट्रैक पे था जो बुरांस सुंदर लग रहे हैं, इसी का वो शरबत बनता है। ये ट्रेल है हमारा, आ जाओ। चलिए ये पकड़ लीजिए, थोड़ा गुड़ चना खा लेते हैं एनर्जी के लिए। और तो कुछ चलाओ, थाने जल्दी लाए। आप लोग नॉर्मल ट्रैक्स में भी ये ले सकते हो, इधर उधर की चीजें लेने से बढ़िया हेल्दी चीजें ये ले लो। हमने अपने चैनल पे वो भी डाल रखा है, लड्डू की रेसिपी, जो ले जा सकते हैं ट्रैक पे, ड्राई फ्रूट्स के वीडियो में है, उसको जाके जरूर देखिए। ये सब जब लंबी ट्रैकिंग होती है तो जरूर इनको ले जाना जरूरी होता है। से आए यहाँ पे, थोड़ा खुला खुला है, रुक के व्यू ले रहे हैं, काफी सुंदर व्यू है यहाँ पे, लंबी लंबी रेंजेस सब दिखाई दे रही है। वो किसी का घर है दूर एक पहाड़ पे, और यहाँ पे हम लोग हैं, और ये हमारा बाकी का ट्रेल है, इधर चल रहा है, आइए चलते हैं। हाँ गर्मी तो लगेगी, क्योंकि ऊपर एक तो धूप थोड़ी भी होगी तो आपको तेज ही लगेगी, हाइट पे तो तेज धूप लगती है, और चलते चलते तो वैसे भी गर्मी आ जाएगी। तो जब भी ध्यान रखें ट्रैकिंग पे आए तो अंदर वार्मर वगैरह ना पहने, अगर आप विंटर वगैरह में आ रहे हो खासकर तो ये रास्ता गया है सीधा, अभी भी आपको दिखा दूं, वहां जाना है ना, वो जाना है दूर, जो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, छोटा सा एकदम पॉइंट, मैं दिखाऊं, ये पॉइंट पे आप देखोगे इधर जाना है। सो शी इज वॉचिंग फॉर बर्फ वाले पहाड़। आप जब आइए ध्यान दीजिएगा, ये रास्ते से आइएगा, लास्ट टाइम जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, वो बर्फ़ के पहाड़ जिसको अच्छे लगते हैं देखने, भाई वो एक अलग फीलिंग देते हैं, और जो कभी नहीं गया स्नो में या स्नो के पहाड़ नहीं देखे, इस पॉइंट पर एकदम जादू तरीके से दिखते हैं। आज शायद नहीं दिख रहे हैं क्योंकि धुंध बहुत है, अजीब सी धुंध है, बहुत दूर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अगर सितंबर अक्टूबर में आप आते हो, एक तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि ग्रीनरी बिल्कुल ज़ीरो है,
ग्रीनरी भी दिखेगी और यहाँ पे आपके आपको वो बर्फ के पहाड़ दिखेंगे आपको हल्का, वीडियो में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सामने एकदम दिखाई पड़ रहा है, मतलब बहुत आगे, ये वाला जो अब लास्ट वाला जो दिख रहा होगा क्लियर, उसके पीछे यहाँ पे है आपके बर्फ वाले पहाड़। आप जब आना तो इस पॉइंट को ना भूलना देखना, हो सकता हो ऐसे देखते हुए वॉक करते हुए चलते चले जाओ सीधे, बट ये देख लो आपको दिख जाएगा, ये थोड़ा वैसा एरिया है, यहाँ पे रुक के जरूर व्यू लेना, काफी सुंदर व्यू आएगा। आ गए हैं ज्वाला मंदिर, वो दिख रहा है उधर, वो दिख रहा है ऐसा, ये थोड़ी नीचे से ही थोड़ी स्टीपर चढ़ाई है यहाँ पे, वैसे तो बढ़िया है नॉर्मल है, पर थोड़ी यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था जो पहली बार ट्रैक कर रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया है, बेस्ट सीजन है, या तो आप जून तक आ जाओ, मई जून तक आ जाओ, आपको हरियाली हरियाली मिलेगी, या तो फिर सितंबर मिड या लास्ट से अक्टूबर नवंबर तक आओ, बहुत अच्छा बहुत सुंदर लगेगा। ये इधर से किधर से रास्ता है? ये है सामने से, थोड़ा सा स्टीपर है एकदम, ये खड़ा ही, इधर से भी तो चल सकते हैं ये वाला? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी होगा और थोड़ा सा रिस्की, खतरनाक होगा, रिस्की होगा, सोचेंगे जाना है, एरो भी बने हुए हैं यहाँ पे, सावधान से जाना है। ओके, ये है यहाँ से देखो, मैं तो नॉर्मल सैंडल में ही कर ले रहा हूँ, जितना वो नहीं है, मैंने शूज पहन रखे। पहुँच गया, ऑलमोस्ट पहुँच गया ना, अब तो सांस फूल गई, स्टीपर चढ़ाती है, ये चढ़ के आए हम लोग नीचे से, मंदिर खुला हुआ है, नीचे तो बोल रहे थे पुजारी जी भी, तो फाइनली वी रीच ज्वाला मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, ये है ज्वाला देवी मंदिर, यहाँ पे पूजा वगैरह भी होती है, यहाँ पे पंडित जी भी आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ना, कहीं गांव के आसपास का है, तो यहाँ पे जोत जलती भी दिख रही है। और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ का व्यू है, क्योंकि धुंध अजीब सी अलग सी धुंध है कुछ, वरना ऊपर के पहाड़ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली सीनिक ब्यूटी बहुत है, बहुत सुंदर है। मैं उधर ही उस साइड थोड़ा थोड़ा जा रहा हूँ, फिलहाल नंगे पैर हैं, अच्छा भी लग रहा है ऐसा चलना। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पहाड़, ये सब रेंजेस पूरी दिखेगी, वाइट स्नो के पहाड़ यहाँ से थोड़ा सा विजिबल हैं, हाँ यहाँ पे है, दिख तो रहे हैं, इतने क्लियर नहीं है पर दिख रहे हैं। ये आपको अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं है, वरना ये पूरी रेंज आपको दिखेगी वाइट। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे रोड भी है, उधर नदी भी है। ऊपर आके थोड़ी देर बैठना भी सही है, बढ़िया है। और अब यहाँ के बाद सब सीधे नीचे जाएंगे, 10-15 मिनट आप यहाँ पे आइए, बैठिए, एंजॉय करिए। और अब हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इन्जॉयबल भी लगी होगी, और ज़रूर आइए यहाँ पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, बड़ी इजी सी ट्रैकिंग है, तो यहाँ कोई भी आ सकता है।
ओके, तो चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए, शॉर्ट्स देखिए, ढेर सारे शॉर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं, आप जाके शॉर्ट्स में शॉर्ट्स देखो जाके। और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, और डू वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड इन्जॉय।